बहुत लोगों का ये डर रहता है कि अगर बजाज फाइनेंस की जो ईएमआई रहती है, अगर हम उस ईएमआई को पे नहीं करते हैं तो क्या बजाज फाइनेंस वाले या फिर बैंक वाले क्या करते हैं कि कोर्ट में केस डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर पे एक लीगल नोटिस आता है और वो नोटिस के तहत हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि क्या अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो क्या आपको कोर्ट की तरफ से एक लीगल नोटिस मिलता है या फिर बैंक वाले आपको ऐसा ही बोलते हैं कि आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस की जो ईएमआई रहती है, अगर आप उसको टाइम पे नहीं भरते हैं या फिर जितना भी अमाउंट आपका रहता है या फिर टोटल जो ईएमआई रहती है, आप उस टोटल ईएमआई को नहीं भरते हैं, भूल जाते हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीने फिर 1 साल 2 साल तक आप उस ईएमआई को भरने का नाम ही नहीं लेते हैं और बजाज फाइनेंस वाले आपको बार बार कॉल करते, मैसेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं आपकी ईएमआई पेंडिंग है, आपका बैलेंस इतना पेंडिंग है, आपको ये इतनी ईएमआई भरनी है, इतना चार्ज लगेगा, आप इतना अमाउंट भर दीजिए, ये सब बहुत सारी परेशानी आपको बताते हैं कॉल करके या फिर मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि 3 महीने के अंदर आप लगातार अगर ईएमआई नहीं भरते हैं 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद आपको ये कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप ईएमआई अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका अमाउंट कितना है, मान लीजिए कि आपका अमाउंट 10,000 या 20,000 या फिर 50,000 के आसपास है, तो दोस्तों आपको क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ प्रेशर करेंगे, यानी कि बजाज फाइनेंस वाले क्या करते हैं कि आपको कॉल करते हैं, आपको डराते हैं कि आपको ये बताया जाता है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहे हैं, फिर मैं ये वकील बोल रहा हूँ, ये वकील बोल रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं, आपके ऊपर केस हो गया है, आपको ये सब अमाउंट जमा करा देना चाहिए जल्दी से जल्दी, अगर आप इस अमाउंट को नहीं जमा कराते हैं तो आपको इतना सारा जुर्माना भरना पड़ेगा और फिर आपको कोर्ट में भी आना पड़ेगा, जहां पे आपको सजा भी हो सकती है या फिर आपको जुर्माना दोनों भी हो सकता है, ऐसा करके आपको डराया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ सवाल आपके जो मन में डाउट चल रहे हैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी 10,000 की कोई भी मोबाइल या फिर 20,000 का कोई भी मोबाइल लिया, अब आपने जो डाउन पेमेंट किया उसके बाद अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं, उसको पूरी ईएमआई नहीं भरते हैं, तो क्या होता है कि कंपनी वाले आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका जो ईएमआई है वो पेंडिंग है, फिर उस ईएमआई जो पेंडिंग ईएमआई रहती है उस पर इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगा के हर महीने आपको अलग अलग अमाउंट दिखाया जाता है और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं टाइम के ऊपर तो आपके ऊपर एक लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा। वहां पे भी अगर आप ध्यान नहीं देते उनकी बातों पे, तो वो लास्ट में क्या करते हैं कि आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक नोटिस भेजते हैं, जो कि वकील का बहुत सारा ऐसा फॉर्म बनाया हुआ रहता है, कंप्यूटर के तरह ऐसा बनाया रहता है, जो कि आपको भेजते हैं। तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आपने ऐसी ईएमआई नहीं भरी है तो सिर्फ और सिर्फ वो बजाज फाइनेंस वाले या कोई भी बैंक वाले आपको क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ धमकाते हैं, परेशान करते हैं, आपको सिर्फ डराते हैं, कोई लीगल नोटिस नहीं भेजता है, आपको कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं भेजता है, ना ही कोई कोर्ट में केस डाला जाता है, खास करके बजाज फाइनेंस की तरफ से। दोस्तों, मैंने भी एक लोन लिया था जहाँ पे मेरा अमाउंट सिर्फ 1500 रुपये बाकी हो रह गया था, जो भी 1500 रुपये किया था कि मेरी ईएमआई बाउंस हो गई थी, जबकि मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से हुई थी, तो उनका जो चार्जेस रहता है 350 करके, उन 350 चार्जेस को बढ़ा के 1500-1600 रुपये का अमाउंट कर दिया था, मैंने अमाउंट पे कर दिया हालांकि, लेकिन जब मैंने पे नहीं किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन क्या करते थे, हर दिन में कम से कम 4 या 5 बार कॉल आता था मुझे और वहाँ पे बताया जाता था कि आपके ऊपर केस हो गया है, मैं दिल्ली कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा, इतना जुर्माना लगेगा, इतना आपको सज़ा हो सकती है, ये हो सकती है। तो वो लोग बहुत ही मतलब आपको डराते हैं, धमकाते हैं, कैसे भी करके कौन सा भी तरीका अपना के आपका जो अमाउंट है वो भरवाते हैं, आपको सिर्फ कॉल करेंगे और परेशान करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं होता है उसमें, सिर्फ आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो सिविल स्कोर रहता है वो सिविल स्कोर को ख़राब कर सकता है और सिविल स्कोर एक बार ख़राब होने के बाद आपको किसी भी दूसरी बैंक में लोन नहीं मिलेगा, कौन सी भी बैंक में आप जाओ कोई भी आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर या फिर जो सिविल स्कोर जहाँ पे इंटर किया जाता है वो साइड पे, वो वेबसाइट पे आपकी पूरी डिटेल्स डाल दी जाती है और वहाँ पे बकायदा पूरा डिटेल्स के साथ बताया जाता है कि आपका इतना अमाउंट बाकी है, इतने दिनों से आपने पेमेंट नहीं किया है, इतना इंटरेस्ट है और ये तारीख की ईएमआई आपकी बाउंस हो चुकी है।
तो दोस्तों अगर आपके पास वाकई पैसा नहीं है भरने के लिए, तो आप नहीं भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर कट उनको बोल दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं भर सकता, अगर कोई छोटा अमाउंट है तो आप जैसा जैसा करके भर दीजिए, आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं हो उसके लिए आप भर दीजिए। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में क्या होता है कि आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको वो परेशान करते हैं या ऐसी कोई धमकी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।